इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम जब सिंस आई हैव क्राइड लाइक दिस इन अ फिल्म. बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ही इमोशनल फिल्म है और फनी भी है. एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट 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 वॉच. सीक्रेट सुपरस्टार इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड पैशन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, सो एवरीबॉडी शुड मस्ट वॉच. आमिर खान इज अ जीनियस. मैंने उनसे कहा है कि आई थिंक ही इज अ फनीएस्ट पर्सन अलाइव. ही इज सो गुड इन द फिल्म. एक्चुअली मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी, आपको फिल्म जाके देखना चाहिए, बट ही इज जस्ट अ जीनियस बिकॉज ऑल्सो ही इज फाउंड अ फिल्म लाइक दिस एंड ही इज पुशिंग द डायरेक्टर अद्वैत. फैबुलस जॉब फॉर हिज फर्स्ट फिल्म. इट्स जस्ट अनबिलीवेबल. आई थिंक मेरी प्यारी अम्मी, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अभी द सॉन्ग्स आई डोंट नो द फुल नेम्स, बट व्हेन यू सी द फिल्म सारे गाने इतने खूबसूरत हैं बिकॉज दे ऑल गो विद द फिल्म, यू नो द पिक्चराइजेशन. इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. अभी मैं घर जाके सो रही हूँ, मेरे को कल शूट है, बट टुमारो आई विल पार्टी. हैप्पी दिवाली. थैंक यू. पिक्चर आई थिंक अब तक की जो मैंने पिक्चरें देखी हैं इस साल की, आई थिंक ये साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है. आई मीन आई कांट गेट ओवर इट स्टिल. अभी इतनी इमोशनल है, इतनी खूबसूरत है, हंसाती है, रुलाती है, परफॉर्मेंसेज आर आउटस्टैंडिंग. आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन. आमिर खान ने हमेशा अपना कमाल दिखाया एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, लेकिन इस फिल्म की जो एक्सपीरियंस है वो कुछ और ही है. सबका काम टेरिफिक है और ये डायरेक्टर अद्वैत जो है, आई थिंक बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. इतनी खूबसूरती से उसने फिल्म को पिरोया है, इस फिल्म को ब्लेंड किया है इमोशनली, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी इस फिल्म को बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा श्रेय मिला. आई लाइक द एंटायर एवरी बिट ऑफ दिस फिल्म इज ब्यूटिफुल. आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि सब ये बहुत खूबसूरत दिवाली ऑफरिंग है और सब जाके अपने परिवार समेत ये फिल्म को देखें. Performances, everyone in the film is so perfect and I'm speechless. I think ha are super, he is too funny in the film. Bahut maza aaya actually aisa character dekh kar. Unhone pata nahi kahan se inko aise nibhaya hai, kyunki aise lag raha hai kuch aap bhi dekhoge to aise lagega ki unhone yahan wahan se kuch kuch logo ko actually usne ek mein mix kar diya hai, but बहुत मजा आया. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट कैरेक्टर. वो आपने उनसे नहीं पूछा? तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ अगर मेरे प्रोड्यूसर नहीं कह रहे हैं. रिलीज तो 3 नवंबर को है. स्टेटस ये है कि आप जितने क्यूरियस अभी है तब तक भी उतने क्यूरियस रहे, तो 3 नवंबर को मिलते हैं. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Thank you.
देखिए पिक्चर कल रिलीज हो रही है। वैसे तो हमेशा आमिर खान बहुत बढ़िया बढ़िया थीम लेकर, बहुत अच्छा संदेश लेकर, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, यानी नए आयाम नई ऊँचाइयों तक पहुँचाते हैं फिल्मों के ज़रिए। बहुत ज़बरदस्त संदेश देते हैं, जैसा कि दंगल में देखा आपने, तारे ज़मीन पर देखी आपने, उनके थ्री इडियट्स देखी, बहुत सारी फिल्में। ये इसमें नयापन है, ये फिल्म जो भी हमने देखी है कल, चूँकि इसका जनरल रिलीज है, लेकिन इस फिल्म में सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सपने देखेंगे नहीं तो सपनों को साकार कैसे करेंगे? तो इसलिए सपनों को साकार करने के लिए जैसे आपको डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट चाहिए, और ख़ासकर लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में खुददारी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये बहुत ज़रूरत इन्ग्रीडियंट्स हैं। इनको लेकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या वुमेन को अपना रास्ता चुनने का पूरा अख्तियार है, और जब चुनती है तो अपने सपनों को साकार करते हुए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसको आगे बहुत इस ग्रिपिंग फिल्म में, ये इमोशन से भरी हुई फिल्म में, इसमें जिस तरह से स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, इमोशन को, डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को और कमिटमेंट को लेकर फिल्म बनाई गई, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से पेश किया है। खासकर हीरोइन जो है जायरा, और जायरा के साथ साथ दूसरी हीरोइन जिन्होंने माँ का रोल किया है मेहर विज, बहुत ही बढ़िया काम किया इसने। बोला का राज है, एक अच्छा कलाकार है, और राज की शक्ल तो खैर आपके से किसी से मिलती जुलती भी है, बहुत बढ़िया काम किया ने। और खैर आमिर खान के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चिराग दिखाने वाली बात होगी। आमिर खान तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, और इसमें बहुत नए तरीके से अपने वो पेश किया है, जो बहुत अच्छा भी लगता है और बाहर काफ़ी इंटरटेनिंग भी है। मैं इस फिल्म की सफलता के लिए आमिर खान को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष देता हूँ, और इसकी सफलता के लिए इस फिल्म का सीक्रेट सुपरस्टार के लिए मैं सीक्रेटली नहीं बल्कि ओपनली दिल खोल कर दुआ करता हूँ कि बहुत फिल्म कामयाब हो। थैंक यू। अमित जी, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग, हमारी आज की लास्ट स्क्रीनिंग थी, और इट्स गोइंग वेरी गुड। आई एम वेरी ग्लैड, लोगों को फिल्म जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा पसंद आ रही है। सो आई एम वेरी ग्लैड, एंड सो इज़ अमी जी।